वालेकुम सर, अपना परिचय देंगे? हाँ जी, बताओ। हम बीजेपी सरकार से बहुत नाराज हैं कि आप थोड़ी बेरोजगार कर रखे हैं, और जो ड्राइवर का लाइसेंस आप थोड़ी भी नहीं बनवाएंगे, 5 साल इन तीनों ही चलेगी, तो बहुत बेरोजगार कर रखे हैं। और इतना बेरोजगार कर रखे हैं मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, इससे हम बहुत नाराज हैं। हम इसलिए कांग्रेस से राजी हैं, और जो है अवतार सिंह भड़ाना को पूरा 70% पोल करेंगे जी। यहाँ तो गांव पूरा का आज वोटिंग हो रही है, किस तरह से हो रही है? यहाँ बहुत अच्छा पोल चल रहा है, यहाँ यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही वोट डलेगा, बीजेपी का कोई वोट नहीं डलेगा। जिंदगी 90 में से 80% पोल पूरा कांग्रेस का ही होगा। आज हम पहुँचे हैं सारण फरीदाबाद, हम जनता से ले रहे हैं रुझान। अब पहुँचे हैं हम सारण फरीदाबाद मार्केट, हम ले रहे हैं जनता से रुझान। मेरा नाम देविंदर है। कौन से हो? फरीदाबाद। सर, अब तक जितनी भी बीजेपी की योजनाएं हैं उसमें से कुछ योजनाओं का फायदा लिया आपने? नहीं लिया सर, फायदा तो देखो पता क्या है, मेरे को ना मिले, लेकिन मेरे देश है ना, उसको फायदा मिलना चाहिए। मान लो देखो, ये स्ट्राइक हुआ तो बहुत भी काम हुए हैं, आप यूपी साइड चले जाओगे तो आपके शौचालय बने हुए हैं, जिनसे एक बढ़िया बनाए गए, काम किए गए। ये पहले नहीं था, ये अभी हुआ है आपका। और लोगों को घर बनाने के लिए पैसे मिले, जो दलित हैं उनको पैसे मिले, घर बने उनके। यानी कि बीजेपी की जीत पक्की है? पक्की है 100%। सर, आप वोट किसको देंगे? मोदी जी को। कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से खड़े हुए हैं उनको दिया जाएगा। मोदी की योजनाओं में आपने फायदा उठाया नहीं उठाया अभी तक? देखिए सर, फायदा उठाने वाली बात नहीं है, जो योजनाएं मिल रही है वो सबको मिल रही है और बराबर मिल रही है, फायदे की बात नहीं है। फायदा अगर सरकार सोचती है तो जनता के लिए सोचती है, और जनता को भी सोचना चाहिए। कई लोग सवाल उठाते हैं जैसे सफाई नहीं है, अब सरकार आगे झाड़ू नहीं मारेगी, आप मत फैलाओ ना गंदगी, ठीक है? बात रही सेना की, आप 4 साल पहले की सेना देख लो और कश्मीर के हालात देख लो, और अब क्या कश्मीर के हालात देख लो, ठीक है? 4 साल पहले ना कश्मीर में राम राम नहीं होती थी, ठीक है? अब देखो 4 दिन पहले वहाँ पूजा हुई है, ठीक है? यानी कि मोदी की 7 साल तक रही थी, क्या किया? मोदी की जीत पक्की है? पक्की है, लिख के रख। अब पहुंचे हम फरीदाबाद रोज गार्डन, यहाँ लेंगे जनता का रुझान।